वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीटल स्कैन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कंटामिनेशन क्लियरर के बारे में। कर्टन का अंदर जो कंटामिनेशन होता है, मतलब कर्टन छोड़ के दूसरा चीज जो रहता है, जो प्रॉब्लम देता है अल्टीमेट प्रोसेस में, तो इसको कैसे सेटिंग करेंगे उसके लिए बताने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार मैं बताना चाहता हूँ, अपना वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसमें अपन डाटा इकट्ठा करते हैं, इसका शूटिंग करते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, फिर वीडियो अपलोड करते हैं। और आपको मेरा इतना ही बोलना है, आप वीडियो थोड़ा मेरा देख के इसको कमेंट कीजिए, और अच्छा होता है तो लाइक कीजिए। अगर कोई सुझाव है, कुछ आपको चेंजेस लानी है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बीटल स्कैन के बारे में बोलना जा रहे। देखिए, ये चीज क्या है, एक कंटामिनेशन क्लियरर है। इसमें देखो, ये है सेंसर है, ये जो है ना, ये जो काला काला डट डट दिया, 24 सेंसर ये लगा हुआ। ऐसे दोनों सेंसर के बीच में अपन कर्टन पास होता है। पास होने के बाद एक साइड से कैमरा से डालेगा, ये डिटेक्ट करेगा, वो उसमें जो कंटामिनेशन रहेगा। जैसे मैंने इधर देखो, एक लगा रखा है, एक निशान लगा रखा, ये जो कंटामिनेशन रहेगा इसको सेंस करेगा। कंटामिनेशन क्या, देखो इसमें जूट फाइबर रह सकता है, पेपर रह सकता है, और वो हेयर रह सकता है, और पॉलीथिन मतलब प्लास्टिक जैसा चीज रह सकता है, कलर कंटामिनेशन रह सकता है, मतलब चिमनी वगैरह कभी कर्टन के अंदर आ जाता है, ये होता है। और इसको ये मान के चलो, आपको कर्टन छोड़ के बाकी जो भी चीज है अपने लिए प्रॉब्लम है। और कंटामिनेशन रहने से दिक्कत क्या, आपको बता देता हूँ। जैसे जूट का कंटामिनेशन आपके पास हो गया, आपके पास बीटल स्कैन है नहीं, वो जब आप कपड़ा डाई करोगे ना, तो जूट का जो फाइबर रहेगा ऐसे लाइन जैसा दिखेगा, वो ऐसे ही रह जाएगा, डाई नहीं होगा। और जैसे हेयर का कंटामिनेशन है, वो भी आ जाएगा तो ऐसे ही उतना ही रह जाएगा, डाई नहीं होता, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी अलग है। तो ये जो कंटामिनेशन क्लियर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बीटल स्कैन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ट्रेजलर वाला अपना कंटामिनेशन क्लियर निकाल रखे, ऐसे ही अलग अलग कंपनी में आता है, लेकिन बीटल स्कैन अच्छा इफेक्टिव होता है, इसलिए हम उसके बारे में बता रहे हैं। और देखिए, इसमें 24x48 कैमरा हो गया, और 224 ये जो ट्यूबलाइट 224 हो गया, ये ट्यूबलाइट दोनों साइड से लाइट डालता है, और लाइट डालता है, इधर से मटेरियल गिरता है, और ये कैमरा सेंस करता है। एक साइड से कैमरा लाइट डालता है, एक जगह डिटेक्ट करता है, और जो भी कंटामिनेशन होगा ना, देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद इधर का एक भाल्व है, यहाँ एक भाल्व है, ये ओपन होगा तो एयर ब्लो के थ्रू इसको कंटामिनेशन खींच के इसमें डाल देगा। ये कंटामिनेशन खींच के निटेड बैग होता है जाली जैसा, उसका अंदर इजेक्ट कर देगा, और जितना ज्यादा कंटामिनेशन चीज रहेगा उतना इजेक्ट करेगा वो। और उसके बाद देखो, बोथ साइड ग्लास वॉल्स, इसका दोनों साइड से ग्लास वॉल रहेगा, ताकि वो लाइट जब डालेगा तो इसको पकड़ेगा, पकड़ के इसको कंटामिनेशन क्लियर जो इजेक्ट करके कंटामिनेशन डालेगा उसमें। और एयर ब्लोइंग अलोंग विद कंटामिनेशन, वही बता, ये जो कंटामिनेशन यहाँ डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, एक भाल खुल जाएगा, यहाँ तुरंत खींच लेगा, यहाँ डाल देगा। ठीक है, और एस्क्विश स्टडी ऑफ बीटल स्कैन एफिशिएंसी ऑफ इजेक्शन, ये जो इजेक्शन होता है उसको आप एस्क्विश स्टडी का माध्यम में कर सकते हो। कैसे करोगे मालूम है, जैसे आपने इतना सा कंटामिनेशन लिया, कुछ पेपर लिया, कुछ जूट लिया, कुछ कलर चिंडी लिया, मतलब हार्वेस्ट जैसा टुकड़ा टुकड़ा, वो क्या करोगे, कर्टन जब पास होता है ना, इसमें इसका अंदर आप डाल देने का, डालने के बाद क्या करेगा, वो इधर से खींच के लेगा, और कितना पीस आपने डाला था, कितना इसका अंदर आ गया, इसको डिवाइड कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, भाई इतना एक्टिव, इतना परसेंट पकड़ में आया, इतना चला गया। ऐसे ही इसका ऊपर कंटामिनेशन से ऊपर एक रहता है पीपी सेंसिंग, ये पॉलीथिन सेंसिंग का है, यहाँ पॉलीथिन जो होता है ये सेंस करता है, उसमें भी सेंसिंग रहता है, वो सेंस करता है, और इसका
टेक्निकल डाटा अभी मैं दूंगा। नेक्स्ट देखिए, अपना जो कंटामिनेशन क्लियर एयर के बारे में बोल रहे थे, इसमें ऐसा है देखो 4% कंटामिनेशन एक्टिव रखो करोगे तो 500 इंजेक्शन पर आवर होता है, 8% में सेंसिटिव रहेगा तो 1000 इंजेक्शन पर आवर रहेगा, और 12% है तो 1500 इंजेक्शन पर आवर, मतलब 1500 बार मटेरियल इंजेक्ट करेगा। ऐसे मैक्सिमम 3500 है, मैक्सिमम तक जाना नहीं है अपने, ये 1500 2000 तक आप जाओ उसी में ही सही है, 2000 कर दो, 2000 तक जाना ठीक है। उसके बाद देखो बेटल्स का मेंटेन करने का एक सिस्टम बताता हूँ। सबसे पहले क्लीनिंग आप ग्लास पाइप, ग्लास क्लीनिंग ऑयल नहीं होगा तो कलिंस है, ये तो बिल्कुल लास्ट चॉइस है जब नहीं मिलेगा। कार्टन ये ग्लास क्लीनिंग का एक लिक्विड मिलता है, ऑयल बोलते हैं इसको, उसमें साफ करते हैं, साफ करने से सेंसिंग बराबर होता है, और बिना सेंसिंग में कंटामिनेशन क्लियर कोई काम का नहीं है, इसीलिए ग्लास क्लीनिंग डेली होना चाहिए। और एयर क्लीनिंग ऑफ ऑल एरिया सेंसर ट्यूबलाइट ग्लास ये सब भाल्व वगैरह सब सफाई करना डेली। जब अपना मेंटेनेंस क्लीनिंग जाता है, जनरल क्लीनिंग जाता है लाइन, और ये मतलब बेल ओपनर के बाद डायरेक्ट जहाँ टॉप्स हो जाता है ना उसके सामने आगे ही इसको अटैच करना बढ़िया रहता है। और कोई कोई यूनिमिक्स का बाद में भी करता है कि यूनिमिक्स के बाद कर्टन पूरा ओपन हो जाता है, कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन यूनिमिक्स का बाद में बहुत ज्यादा लगता है तो उसे सही रहता है। और एयर क्लीनिंग बढ़िया कर देंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा जो ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, 1500 घंटा के बाद इसको ट्यूबलाइट को इसको चेंज कर देना चाहिए, 1500 घंटा इसको ट्यूबलाइट का लाइफ होता है, ये ट्यूबलाइट जो होता है दोनों चार है, 1500 घंटे के बाद चेंज कर देना चाहिए तो जाकर ठीक रहता है। और उसके बाद देखो 3.5 बार मिनिमम रखना एयर प्रेशर ताकि इंजेक्शन इफेक्टिव रहे। और उसके बाद आज पर कंटामिनेशन सेट इंजेक्शन पर आवर, आज पर कंटामिनेशन मतलब कर्टन के अंदर जितना ज्यादा आपकी कंटामिनेटेड चीज है उसी हिसाब से आपका कंटामिनेशन का सेंसिटिविटी बढ़ाने का, तो उसी हिसाब से वो इजेक्ट करेगा। समझो आपकी कर्टन में बहुत ज्यादा कंटामिनेशन है, आप सेंसिंग कैपेसिटी कम कर रहे हो तो कम इजेक्ट करेगा तो कर्टन में पास करेगा, ऐसे कोई मतलब नहीं रहेगा। और कर्टन में समझो कंटामिनेशन कम है तो इसको आप कम से कम रखो तो सेंसिंग, ज्यादा सेंसिंग करे कोई मतलब नहीं। और साइज ऑफ कंटामिनेशन, उसमें एक पॉइंट और भी है, कंटामिनेशन का कौन सा साइज तक वो इजेक्ट करेगा, कौन सा साइज तक छोड़ देगा, तो उसी हिसाब से कंटामिनेशन साइज भी यहाँ डाला जाता है। तो ये होने के बाद देखो ये परसेंटेज आपको बता दिया, उसके अलावा जैसे आपको कभी स्टडी करना है थोड़ा सा पॉलीथिन ले लेना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कलर पेपर ले लेना, जूट का ले लेना, थ्रेड और बाल वगैरह जो भी थोड़ा बहुत इतना इकट्ठा कर लेना, इसको गिन लेना। गिन लेने के बाद आप गिनने के बाद क्या करोगे, कर्टन मटेरियल के साथ इसको पाइपलाइन में छोड़ देने का, छोड़ने के बाद ये जो पीपी है और कंटामिनेशन उसका थ्रू जो पास करेगा वो बोरे के अंदर जाएगा, उसके बोरे के अंदर जाएगा तो उसको क्या करोगे, देखो आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे अपन जूट 12 पीस लिए, कलर पेपर 4 पीस लिए, कलर यार्न टुकड़ा टुकड़ा वो 3 पीस लिए, 19 पीस का अपन कंटामिनेशन लिए, इसको इकट्ठा ये करके इसको अपन जहाँ पे कर्टन पास होता है ना उसी का ऊपर अपन पाइपलाइन के थ्रू डाल दिए खुला करके। उसके बाद देखो जब सेंसिंग हो गया उसमें 16 पीस है इसका अंदर पकड़ में आया, 16 पीस पकड़ में आया तो क्या हुआ, 16/19 = 84.2% एफिशिएंसी आ, मतलब कंटामिनेशन जो अपन डाले थे इसका 84% पकड़ में आ, ये जो 84% है वेरी गुड है, मतलब इतना तो पकड़ में आना चाहिए, उससे ज्यादा तो आता नहीं, 80-82% तक आता है। ऐसे पॉलीप्रोपिलीन जो है 9 पीस डाला तो 4 पीस पकड़ में आया, ये भी हो गया 44.44। और पॉलीप्रोपिलीन सेंसर ऐसा रहता है
पीपी बोलते बोलते है, उसका अपना 50% कभी अचीव नहीं होता, वो क्या ट्रांसपेरेंट कलर रहता है वो कभी कभी पास हो जाता है। तो इसमें 44% आया, 44-45 मैक्सिमम 50% तक आएगा, उसे ज्यादा नहीं आएगा। और आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, ऐसे कंटामिनेशन क्लियर अगर कहीं कहीं चीज छूट भी जाता है ना, तो ऑटो कॉलर में FL FD जो होता है वो सेटिंग कर देंगे, फॉरेन मटेरियल डिटेक्टर जो है FD सेटिंग वो उस पर पकड़ में आएगा, लेकिन वो खाली ग्रे वाला यार्न में पकड़ में आएगा, कलर वाला पकड़ में नहीं आता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मशीन है, आप इसको प्रैक्टिकली सब करके देखिए, बढ़िया लगेगा। और मेरा वीडियो इतना मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।